तुझे पता है इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं की? वाईफाई बंद है। नहीं। बीमार हो? नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा? नहीं। आइटम भाग गई? नहीं बे। पीरियड्स चल रहे? एग्जाम पीरियड चल रहा है भूसड़ी के, कहाँ पहुँच गया तू? तुझे क्या लगता है एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? आगे वाला, पीछे वाला, आजू बाजू वाला? ना 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 ना, ये गलत फहमी है तेरी। एग्जाम में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो खुद सुपरवाइजर ही करता है। जैसे ही एग्जाम चालू होती है, पहली बार आएगा, आई कार्ड हॉल टिकट चेक करेगा, चला जाएगा। फिर अटेंडेंस शीट लेके आएगा, साइन लेके चला जाएगा। फिर आएगा, बेंच से बाहर खड़ा करवाएगा, कॉपी देखने के लिए अपने शरीर के हर एक हिस्से में हाथ डाल के चेक करेगा। भाई तू कॉपी देख रहा है या एयरपोर्ट चेकिंग चल रही? आतंकवादी हूँ, एग्जाम हॉल में बॉम्ब लेके बैठा हूँ। फिर आएगा, आंसर शीट पे साइन करके चला जाएगा। फिर आएगा, बारकोड चिपका के चला जाएगा। फिर आएगा, साले तू एक काम कर, तू बैठ, पेपर लीक, मैं चला जाता हूँ। पिछले 15 मिनट में 15 बार आया है तू। एग्जाम चालू नहीं हुई, इनकी लास्ट वार्निंग चालू हो जाती है। बाजू वाले को इरेजर मांगो, लास्ट वार्निंग। अपना गिरा हुआ पेन उठाने गया, लास्ट वार्निंग। घड़ी में टाइम देखने गया, लास्ट वार्निंग। खुजली हो रही है, लास्ट वार्निंग। अबे खुजाने तो दे भोसड़ी के, 2 घंटे से बैठा हूँ, क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? इन लोगों को 2 घंटे के लिए सुपरवाइजर क्या बनाया? अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट समझने लगते। कंधे पर बिठाया, कान में मुतने लगे बेंच। कॉलेज के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है मैथ्स। तुझे पता है पिछले 3 सेमेस्टरों से मैथ्स 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, अब तक नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि हर बार भोसड़ी के लंबा वाला प्रॉब्लम देते और बोलते फाइंड साइन कॉस टैन। इसकी माँ का अलजेब्रा मारा। बेचो दे, साइन कॉस टैन कौन है बे? किसके बच्चे ये? कौन अपने बच्चे भूल गया बे? और मैं क्यों ढूंढू इनको? पुलिस में रिपोर्ट कर दो। और कभी कभी ऐसा मकड़ी का जाला बनाते, किसी कोने में एक्स लिख देते और बोलते फाइंड एक्स। साला मैथ्स का पेपर चल रहा है या लुपा छुपी चल रही, समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स एक्स के बिना और जिंदगी से एक्स के बिना झंड है। फाइंड एक्स, यहाँ मैं अपनी खुद की एक्स ढूंढ नहीं पाता, ये एक्स कहाँ से ढूंढू भाई? बॉलीवुड के किंग खान से मेरा एक पर्सनल सवाल है। आपने कहा था हम एक बार जीते एक बार मरते, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है, तो ये कमबख्त एग्जाम क्यों बार बार होती है बे? हमने पेट से बाहर आने से पहले क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि भाई कंपलसरी हमको 100-200 एग्जाम देनी पड़ेगी? समुंदर भर के सिलेबस होता है, नदी भर जितना पढ़ पाते है, बाल्टी भर याद रख पाते है, चुल्लू भर नंबर मिलते है, उसमें जाके डूब जाते है। देखो, अगर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसे डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके क्लास में नई लड़कियां आने वाली है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको पैदा होते ही पिछवाड़े पे 9 गर्ल्स वाला थप्पा लगा दिया जाता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। Oh, shit. जिनका M3 सॉम टॉम डॉम आइटम बॉम्ब जावा मावा बैक लगा है तो लाइक ठोक दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में पास हो जाओगे। तथास्तु। I have you now.